दोस्तों स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप YouTube पे कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन रख सकते हैं। जब भी दोस्तों आप YouTube का कोई रूल पढ़ोगे ना, तो आपको एक शब्द बहुत कॉमन मिलेगा, वो है कंसिस्टेंसी। दोस्तों कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि किसी काम को लगातार करते रहना। जी हाँ दोस्तों, YouTube का रूल यही कहता है कि अगर आप YouTube पे सक्सेस होना चाहते हो तो आपको यहाँ पे लगातार काम करना पड़ेगा। अगर आप लगातार काम नहीं करोगे, लगातार वीडियोज नहीं डालोगे, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और जितने भी नए क्रिएटर हैं, जितने भी लोग YouTube पे आते हैं, उनकी सबसे बड़ी समस्या यही रहती है कि वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते हैं। और उनका कंसिस्टेंसी मेंटेन ना करने के पीछे भी एक रीजन है कि उनके पास आइडियाज खत्म हो जाता है, उनको पता ही नहीं होता कि किस पॉइंट पे वीडियो बनाए, कैसा वीडियो बनाए। तो अगर आप भी इस प्रॉब्लम से परेशान है, तो ये वीडियो देखने के बाद आपकी सभी तरह का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा और आप YouTube पे एक्टिव हो जाएंगे और रोज वीडियो डाल पाएंगे। तो एक एक चीज को बहुत बारीकी से और बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही कोई नया क्रिएटर YouTube पे आता है वीडियो बनाने के लिए, उसके पास 2-4-5 वीडियो का टॉपिक रहता है कि हाँ मैं ये बना लूंगा, फिर ये बना लूंगा, लेकिन अगले महीना क्या बनाना है ये उसे आइडिया नहीं रहता है। तो दोस्तों ये मैक्सिमम नए क्रिएटर के साथ होता है, लेकिन आपको क्या करना है कि आपको 6 महीने का प्लान लेके चलना है। आपको 6 महीने का टॉपिक पहले ही दिन लिख लेना, तब जाके वीडियो बनाना स्टार्ट करिए। अगर आप ऐसे ही स्टार्ट कर देना, आपको आइडिया के बारे में जानकारी नहीं, तो आप आगे चल के फंस जाएंगे। आगे 1-2 महीना काम करेंगे, फिर आगे जाके फंस जाएंगे। तो इसलिए कम से कम आप 6 महीने का टॉपिक आज ही लिख लीजिए, और वो टॉपिक कैसे लिखना वो भी मैं आपको बताता हूं। एग्जांपल के लिए समझते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपको कोई ऐसे टॉपिक पे वीडियो बनाना, जैसे कि मोटिवेशनल, आप चाहते कि आप यूट्यूब पे वीडियो बनाएंगे जो उसमें आप मोटिवेशन वाली बातें करेंगे, स्टूडेंट के लिए, लोगों के लिए, सभी तरह के वीडियो करेंगे, तो इसके लिए कम से कम आपके पास 100 टॉपिक ऑलरेडी होना चाहिए, ताकि अगर आप महीने का 15 वीडियो भी डाल रहे हैं ना, तो कम से कम 5-6-7 महीने आपको आगे देख रहा ना पड़े, रिसर्च ना करना पड़े, अरे मैं क्या बनाऊं, कैसे बनाऊं, ये सब खोजने की जरूरत ना पड़े। तो उसके लिए आप सिंपल हेल्प ले सकते हैं ChatGPT का। ChatGPT पे दोस्तों सिंपल आपको गूगल में आ जाना है, इसमें सर्च कर लेना ChatGPT। यहाँ पे बस आप लिख दीजिए जो भी चीजें आपको चाहिए। अगर आपको 100 टॉपिक चाहिए तो ये 100 टॉपिक देगा, 50 चाहिए तो 50 देगा। सिंपल मैं आपके सामने बोल के दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे माइक है, सजेस्ट मी 50 टॉपिक ऑन एजुकेशनल एंड मोटिवेशनल वीडियो। अब देखिए दोस्तों ये आपको 50 टॉपिक सजेस्ट कर देगा, एक एक करके आपसे आप गिन सकते हैं। देखिए 10, 11, देखिए राइट कर रहा अभी भी, देखिए 13, 14, 15, ऐसे करते करते दोस्तों ये आपको 50 टॉपिक लिख के देगा। मान लीजिए दोस्तों आप ChatGPT से 50 पूछे, वो आपको 50 लिख के दे दिया, लेकिन यहाँ आपको 20 ही समझ में आया, तो 20 कम से कम लिख दीजिए, और बाकी टॉपिक आप ऐसे जगह से खोज सकते हैं जो आपसे रिलेटेड यूट्यूबर, उसका जाके वीडियो देखिए। कुछ वीडियो ऐसे होते होंगे ना जो एवरग्रीन होते हैं, वो आज भी चल सकते हैं, 1 साल बाद भी चल सकते हैं, तो जो वहां समझ में आए उसको लिख लीजिए। बाकी जब आप वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत से ऐसे कमेंट मिल जाएंगे, बहुत से आइडियाज आपको आने लगेंगे। जब आप ऑलरेडी 50, 60 या 100, 200 टॉपिक लिख के रखेंगे ना, तो आपके पास एक स्ट्रांग माइंडसेट रहेगा कि अरे मेरे पास टॉपिक है, सिंपल इस बारे में 2-4 लाइन सर्च करना है, वही कैमरे पे बोल देना, वीडियो बन जाएगा। तो इससे आपकी कंसिस्टेंसी नहीं टूटेगी। आई होप कि दोस्तों ये प्लान आपको अच्छा लगा होगा, और इससे आप फॉलो करके अपने वीडियो को लगातार बना पाएंगे। क्योंकि दोस्तों अगर आप कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो कितना भी अच्छा वीडियो बना ले वो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, और कोई बात आपके मन में हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स के जरिए बताना ना भूलिएगा, मैं कोशिश उसका एक प्रॉपर वीडियो बनाने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।